Today we will do the topic objects in C++. Objects are the key to understand object oriented programming approach. क्योंकि हम C++ पढ़ रहे हैं और C++ में object oriented programming की approach होती है, इसलिए हमें हमारे लिए बहुत important है understand करना objects को, क्योंकि basically C में plus क्या हुआ है, objects and classes का concept. It is often used to represent an entity in the real world that can be distinctly identified. मतलब हम इसमें बेसिकली एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम डिस्टिंक्टली मतलब सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सके. एक ऐसी एंटिटी, ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसको एक डिफरेंट नाम दिया जाता है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस, थिंग, कंसेप्ट और एनीथिंग यू सी इन द रियल वर्ल्ड. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूड जैसे कार, बुक, क्लॉक, कंप्यूटर, एप्पल एट्सेट्रा. ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. एवरी ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. हर ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं. पहली है एट्रीब्यूट, ये आपको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है. दूसरी क्या है, बिहेवियर. मतलब एट्रीब्यूट में क्या आता है कि जैसे नेम, क्लास, ठीक है, और बिहेवियर क्या होता है, हम चलते हैं, वॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ठीक है, जो हमारा बिहेवियर है, एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वो बिहेवियर में आता है. और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमारा नाम क्या है, हमारी एज क्या है, वो सब किस में आता है, एट्रीब्यूट्स में. एंड एट्रीब्यूट पोसेसेस सर्टन प्रॉपर्टीज दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स. एट्रीब्यूट्स में सर्टन प्रॉपर्टीज होती हैं. एट्रीब्यूट्स क्या होती है, सर्टन प्रॉपर्टीज जिनका एक डिस्टिंग्विश बिहेवियर होता है जिससे वो दूसरे से उसको अलग करता है. जैसे मेरा नेम, मेरा नाम अलग है, किसी और का नाम अलग है. फॉर एग्जाम्पल, यू एज एन ऑब्जेक्ट हैव एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, एज, सेक्स, हाइट एट्सेट्रा. बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट दैट ऑपरेशंस और फंक्शंस एन ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग. बिहेवियर क्या होता है, हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एक्शंस, हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट लाइक यू में मूव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिट, लिसन, स्पीक एट्सेट्रा. तो ऑब्जेक्ट्स के हमने पढ़े दो बिहेवियर्स, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स, दो टाइप से हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. बिहेवियर क्या होता है, जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं. एट्रीब्यूट्स जो हमें आइडेंटिटी देता है, जैसे हमारा नेम, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग आर मॉडल्ड इन अ सिमिलर मैनर आफ्टर द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एज दे आल्सो पोसेस एट्रीब्यूट्स एज वेल एज बिहेवियर्स. इन द प्रोग्राम द डाटा डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो डाटा को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर हम उसका क्या डिफाइन करते हैं, बिहेवियर. ईच ऑब्जेक्ट हैज आइडेंटिटी दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स. हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है जो उसको और ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करता है. टू मैंगोज विद सेम कलर, शेप एंड टेक्सचर आर स्टिल इंडिविजुअल मैंगोज एज अ पर्सन कैन ईट वन एंड देन ईट द अदर. सिमिलरली टू आइडेंटिकल ट्विंस आर टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स. मतलब जो ट्विंस होते हैं वो एक जैसे होते हैं दिखने में, पर फिर भी वो क्या है, टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, और हम उनको डिस्टिंक्ट नेम्स देते हैं. इवन दो दे मे लुक द सेम, जबकि वो एक जैसे लगते हैं पर उनको दो डिस्टिंग्विश पर्सन्स, अलग अलग पर्सन्स की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है. टू सम अप, ईच ऑब्जेक्ट पोसेसेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स. ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर. हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे नेम एट्रीब्यूट होता है और उसका एक बिहेवियर होता है कि वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है. डाटा एंड फंक्शंस आर बाइंडिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. डाटा और फंक्शंस को हम इकट्ठा रखते हैं टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग. एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पासिंग के द्वारा.
Objects represents the basic runtime entities in an object-oriented system. They occupy space in memory that stores its data, which is manipulated by its functions. Next हमारा concept आता है class. अब हम class के बारे में समझेंगे, फिर हम class और objects के बारे में अलग अलग पता करेंगे कि इन दोनों में क्या difference है, कैसे हम इसको distinguish कर सकते हैं. In the real world, you will often find many individual objects, all of same kind. Real world के अंदर हम बड़े सारे objects को distinguish करते हैं, एक जैसे जो कि objects हमें मिलते हैं, ठीक है? For example, consider an object you. आप एक क्या है? Object हो. Now you have certain properties. आपके कुछ attributes हैं, like your age, name, height, etc. And possess certain behavior functions करते हैं हम, like you have some style of walking, speaking, eating. जैसे हम कहते हैं ना, पीछे से अगर कोई बंदा चल रहा होता है तो हमें पता लग जाता है कि वो बंदा इस तरह से चलता है, तो वही चल रहा है. तो हर किसी का जो style है वो क्या है? अलग है, separate है. Similarly, your friends Pranav, Amit, Kiran also possess certain properties. जो आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सब के भी अलग से प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स हैं लाइक एज, नेम, हाइट एट्सेट्रा, एंड पोसेस सर्टन बिहेवियर फंक्शंस लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग एट्सेट्रा. ऑल दिस पीपल रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर फंक्शंस. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ क्लास person. Thus, a class is a group of objects with same attributes and common behaviors. It is just a template or blueprint using which individual objects are created. इसको हम C++ की लैंग्वेज में डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझेंगे, और ये डायग्राम आपको पेपर में भी बनाना है. हमने एक क्लास ली है पर्सन, पर्सन है हमारी क्लास का नेम, और उसमें एट्रीब्यूट्स है एज, नेम, हाइट, और उनका बिहेवियर है वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग. अब जो पर्सन है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, किरण भी हो सकते हैं, प्रणव हो सकता है, अमित हो सकता है, आप भी हो सकते हो, ठीक है. सिमिलरली अदर एग्जांपल्स ऑफ क्लास इंक्लूड, क्लास कंप्यूटर ले सकते हो आप, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है? प्राइस, ब्रांड, राम, रैम साइज, मेमोरी का साइज, मॉनिटर रेजोल्यूशन, और बिहेवियर क्या है? डिस्प्ले करना, उसको प्रिंट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना. सिमिलरली क्लास आप दूसरे क्या ले सकते हो? एम्प्लॉय. एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नेम, सैलरी, लोन टेकन, कितना लोन लिया एम्प्लॉय ने, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो. बिहेवियर क्या है? सैलरी की कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेट करना, डिस्प्ले करना, दिखाना सैलरी को, और कितना लोन लिया है वो डिस्प्ले करना या कैलकुलेट करना. Objects having same attributes and sharing common behavior constitute a class. A class के अंदर क्या होता है? वो objects जिनका attribute same होता है और जिनका behavior same होता है, उनको हमें class में bind कर देते हैं. जैसे हमने ऊपर देखा employee, तो employee में सारी जो information है वो हमारी employee के बारे में है. और computer, computer में जितनी भी information है वो सारी किसके बारे में है? Attributes भी computer के हैं और behavior भी computer के ही हैं. In other words, an object is an instance of a class. Object क्या है? एक instance है, मतलब उसी को ही represent कर रहा है. All the objects of a class are distinguished on the basis of their attribute values. Once the class has been specified, we can create multiple objects belonging to that class. So, class has a data type and object as a variable of that data type. तो class क्या है? Class may be thought of as a data type. Data type भी आप उसको ले सकते हो, and object as a variable of the data type. उस data type का object बना के आप उसको use कर सकते हो. Why use classes? अब concept आता है कि हम classes को क्यों use करते हैं. The object is a basic key concept of object-oriented programming, but still we focus on classes because classes provide us the ability to generalize similar type of objects.
A class is a conceptual representation of all the objects. Objects को conceptually represent करना class होती है. That share common attributes and behavior. पीछे भी हमने पढ़ा था कि एक class के अंदर हम objects को explain करते हैं जो same attributes और behavior के होती हैं. जैसे हमने computer class देखी और employee class देखी. It defines the attributes and behaviors that are used by all the instance objects of that class. जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज किए जाते हैं उनका बिहेवियर वो डिफाइन करता है. ऑपरेशंस कैन बी रिटन वंस फॉर ईच क्लास. ऑपरेशंस लिखे जाते हैं सो दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द कोड रीयूज. डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास. डाटा एंड फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा आर बाइंडिंग टूगेदर टू फॉर्म एन ऑब्जेक्ट. ये हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इधर हम क्लास के बारे में. ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज. और क्लासेस क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विद सेम एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर इज कॉल्ड अ क्लास. क्लास इज जस्ट अ स्पेसिफिकेशन और अ लॉजिकल एंटिटी. ये क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी. और ये क्या है? लॉजिकल एंटिटी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई सेम स्पेस इन मेमोरी. Class doesn't consume space in memory. Object is an instance of a class. Object क्या होता है? Class का instance. A class can have many objects. एक से ज़्यादा objects हो सकते हैं. An object is a dynamic entity that has limited lifespan. Objects are created and eventually destroyed. क्रिएट किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. आल्सो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मे अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज. क्लास इज अ स्टैटिक एंटिटी. ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास आर फिक्स्ड बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो एट्रीब्यूट्स जो हमारे क्लास है उसका क्या है? वो फिक्स्ड रहती है. और ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. अभी हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है. और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डायनेमिक एंटिटी है. और क्लास क्या है? स्टैटिक एंटिटी है. एग्जांपल ले रहे हैं, टेबल, चेयर, सोफा आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास विच हैज टेबल, चेयर, सोफा एज एन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये हमारा सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट्स का. क्लास का नेम देंगे हम पहले, फिर ऑब्जेक्ट का नेम. एग्जांपल है इसका, जैसे डेमो हमारी क्लास का नेम है और उसके आगे हम ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हैं. ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, कितने भी ऑब्जेक्ट्स का नेम दे सकते हैं और कोई भी नेम दे सकते हो आप. नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ क्लास. इसका सिंटेक्स क्या है? क्लास लिखेंगे, क्लास इज अ कीवर्ड, उसके बाद हम क्लास का नेम देंगे, फिर उसके बॉडी स्टार्ट होगी. एंड में टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है. इसके अंदर हमने असेस स्पेसिफायर्स लिए हैं. ये तीनों क्या है? असेस स्पेसिफायर्स, जो कि बताते हैं कि आप इनको कैसे बाहर यूज़ कर सकते हो. प्राइवेट का मतलब क्या होता है? विद इन द क्लास ही आप इसको यूज़ कर सकते हो. पब्लिक का मतलब क्या होता है? कि आप बाहर भी ये अवेलेबल हैं, बाहर भी यूज़ कर सकते हो इन डाटा मेम्बर्स और मेम्बर फंक्शंस को. प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड क्लासेस में ही आप इसको यूज़ कर सकते हो. इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस. डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो आपकी क्लास से रिलेटेड हैं. मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस जो आपने क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं. डाटा मेंबर्स क्या है? जैसे हमने यहाँ पे इंट ए और बी लिया है. और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा है void input फंक्शन है, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है. void show एक फंक्शन है, इसके आगे भी ब्रैकेट लगा हुआ है. अब एग्जांपल लिया हमने क्लास को, हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम था डेमो क्लास, और फिर क्लास का नेम दे दिया डेमो. प्राइवेट में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. इंट क्या है? उसका डाटा टाइप है जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे. ए और बी दो वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो मेमोरी में लोकेशन होती है. एक मेमोरी में हमने लोकेशन बना दी है जिसका नाम है ए, और जो इंट डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा, जैसे 1, 2, 3, 4. पब्लिक में हमने क्या किया है? हमने एक मेथड बनाया है, फंक्शन कहते हैं हम इसको. इनपुट इज अ फंक्शन. वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप.
ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर हम इसके आगे इंट लगाते हैं तो हमें इसका रिटर्न देना पड़ेगा और वो रिटर्न वैल्यू इनपुट में जाके सेव हो जाएगी, क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो वैल्यू सेव करते हैं, जैसे वेरिएबल होता है वैसे ही ये भी एक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो void का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन इनपुट फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, देर इज नो रिटर्न टाइप। सी आउट एंटर वैल्यूज, जो हम सी आउट में लिखते हैं डबल कोट्स में, ये एज इट इज हमारा प्रिंट हो जाता है। सी इन ए एंड बी, सी इन का मतलब है ये हमारी ए और बी नाम के जो हमने वेरिएबल्स है उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएगा, मतलब तो दो वैल्यूज हमने स्टोर करवानी है, ये हमसे वैल्यूज मांगेगा। उसके बाद जब हम void show मेथड को देखेंगे, ये मेथड हमारा इतना ही है, यहाँ पे बंद हो गया। अब हम void show को देखेंगे तो सी आउट कर रहा है, वो सी आउट क्या कर रहा है, ए और बी, यहाँ पे हमने ए और बी में वैल्यू डाली है, वही वैल्यू ए और बी की यहाँ पे वो शो कर देगा। जो ऊपर हमने अभी क्लास देखी थी वो हमारी यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, और क्लास के बाद ये टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है, इसका मतलब है कि क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, क्लास के बोले। अब हम void main, हमारी जो एग्जीक्यूशन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं void main से ही स्टार्ट होती है, मेन हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है, क्लासेस से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होती, मेन हमारा एक ही प्रोग्राम, पूरे सी प्लस प्लस जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे मेन आपका एक ही प्रोग्राम रहेगा, आप दो तीन मेन नहीं बनाओगे, और इसके आगे void ही होगा क्योंकि मेन मोस्टली वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो इसके आगे हमने लिखना clr scr, clr क्या है, क्लियर स्क्रीन, ये भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि स्क्रीन को क्लियर करने में, जो पहले के आपके रिजल्ट्स हैं उनको क्लियर करके नया रिजल्ट शो करता है। तो clr scr आप लिखते हो तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। नेक्स्ट हमने क्या किया, डेमो, डेमो हमारा क्या था, क्लास का नेम था, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ob, कोई भी नेम ले सकते हो आप, अपना नाम भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ob डॉट करके, जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे उसको डॉट करके इस क्लास के अंदर जो हमने दो फंक्शंस बनाए थे उनको हम असेस कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब हमें दोबारा से इनकी बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ob डॉट किया और उसका मेथड लिख दिया, फंक्शन को कॉल किया इनपुट फंक्शन, जैसे ही हमने इनपुट फंक्शन को कॉल किया तो ये ऊपर क्लास में जाएगा, क्लास में फंक्शन को ढूंढेगा और उनको रन कर देगा, ये वैल्यूज हमारी फिर से एंटर वैल्यू आएगा और ए और बी की वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो दोबारा से यहाँ आएगा जब ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, और ओ बी डॉट शो, शो करते ही ये शो फंक्शन पे जाएगा और सी आउट कर देगा ए और बी को, मतलब शो कर देगा। गेट सी एच का मतलब क्या होता है, गेट करेक्टर, करेक्टर्स को स्क्रीन पे होल्ड करने के काम आता है, दिस इज ऑल्सो इज अ बिल्ट इन फंक्शन है ये, जो कि हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब हम नहीं इसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये दो फंक्शंस हमने बनाए हैं ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, और ये जो दो फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं ये आप आगे और एंड में हर बार लिखोगे, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ये क्लियर करता है स्क्रीन को और ये हमारी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है हमारे करेक्टर्स को उसके ऊपर।